भगवान ने दुनिया बनाया होगा तो इस बात से जरूर घबराया होगा, कैसे रखूंगा इतनी कुड़ियों का ख्याल, तब जाकर उन्होंने भाई बनाया होगा। नमस्कार जी, आदाब, सत श्री अकाल, साड़ियानो, कैसे आप लोग। मैं आपकी अंजलि चावला और आज मैं तेजस 24 में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन से जुड़े कई ऐसे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। जैसा कि हम 2020 में भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, ऐसे में कई बार हमारे दिमाग में आता है कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। तो माना जाता है कि इसकी कई कहानी प्रचलित हैं, कई कथाएं प्रचलित हैं। राजा बलि और माँ लक्ष्मी से लेकर एक बहुत ही सुंदर उल्लेख मिलता है महाभारत में कृष्ण और द्रौपदी का। वो सुंदर इसलिए कि यह माना जाता है कि रक्षाबंधन मनाने के लिए किसी सगे भाई बहन का होना ज़रूरी नहीं है। महाभारत काल में जब शिशुपाल का वध करके श्री कृष्ण वापस आ रहे थे तो उसी सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। रक्त बहता देख द्रौपदी घबराई और आगे आकर अपने आंचल से भार कर उनकी उंगली में बांध दिया और कृष्ण इससे इतना भावुक हो गए कि उन्होंने द्रौपदी का एक एक धागे का सिर चुकाने का वचन दिया। तो ऐसे में जब कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया गया तो कृष्ण आगे आए और उनकी रक्षा की। तो ये बहुत ही सुंदर उल्लेख है जो हम सबके सामने है, जो हम सब ने पढ़ा है और जितने लोग महाभारत देखे हैं उन्होंने देखा भी होगा, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज हम त्यौहार तो मना रहे हैं मगर परंपरा भूल गए। ऐसे में ही हम आपको बताना चाहेंगे। हेलो, आई एम यूजिंग दीज मटेरियल्स टू मेक द राखी। मोरपंख, ग्रास, मौली धागा, कौड़ी, मस्टर्ड, धान, अक्षत, रुद्राक्ष, सैफरन, चंदन, सम बीड्स एंड सम स्टोन्स ओवर हियर एंड कृति फाउंडेशन की जानकी गुप्ता ने बच्चों और महिलाओं को वैदिक राखी, वैदिक परंपरा को बचाए रखने और उसके महत्व को समझाते हुए जानकी गुप्ता ने ऑनलाइन बच्चों और महिलाओं को वैदिक राखी का प्रशिक्षण दिया, जिसमें रायपुर से पुष्पलता त्रिपाठी, हर संभव फाउंडेशन, अर्चना बोरा, अनीता दुबे, सर्व मंगल फाउंडेशन, अनीता खंडेलवाल आदि, यशस्वी सिंह बंघेल, काव्या सिंह बंघेल आदि, समृद्धि गुप्ता आदि ने चीनी राखियों का बहिष्कार कर वैदिक राखी परंपरा के अनुसार राखी बना। कृति फाउंडेशन की संचालिका जानकी गुप्ता ने कहा, रक्षाबंधन का पर्व वैदिक विधि से मनाया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। किसी विधि से मनाने पर भाई का जीवन सुखमय और शुभ बनता है। शस्त्रानुसार उसके लिए 5 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है जिनसे रक्षा सूत्र का निर्माण किया जाता है। इनमें दुड़वा, घास, अक्षत, चावल, केसर, चंदन और सरसों के दाने शामिल है। इन 5 वस्तुओं को रेशम के कपड़े में बांध दे या सिलाई कर दे, फिर इसे कलावे में पिरो दे। इस प्रकार वैदिक राखी तैयार की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमसी टीम के माध्यम से आप सबको वैदिक राखी बनाना बताऊंगी। त्योहार तो हमें याद है पर हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। वैदिक राखी से भाई का जीवन सुखमय और शुभ बनता है। इसके लिए हमें 5 वस्तुओं की ज़रूरत होती है, दुर्वा, अक्षत, केसर, चावल और सरसों। इन 5 वस्तुओं को लेकर रेशम के कपड़े में बांध दीजिए या आप सिलाई भी कर सकते हैं, ऊपर से आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये 5 वस्तुएं भाई के जीवन के हर एक संकट को हर लेती हैं।